आंखों की दो बूंदों से समंदर बिहारे होंगे, उन आंखों की दो बूंदों से समंदर बिहारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी। 14 फरवरी 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूलता। भारत के लिए ये काले दिन की तरह। एक तरफ जहां आज दुनिया भर के लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहीं भारत इस दिन शहीद हुए अपने शहीदों को याद करे। वो घटना भारत के लोगों को झकझोर कर रख देती है। दरअसल आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। आज हमले को 5 साल हो गए। तो आइए आपको पुलवामा हमले की पूरी कहानी बताते हैं और उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं। 14 फरवरी 2019 का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। 5 बरस बीत चुके हैं, लेकिन पुलवामा हमले के जख्म आज भी हरे हैं। आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के लिए चुना था। राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटक से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के लोगों ने रची थी, लेकिन सीआरपीएफ के बस को निशाना बनाने का आइडिया काकापोरा के एक दुकानदार का था। एनआईए ने पुलवामा आतंकी हमले के मामले में 13,500 पेज की चार्जशीट फाइनल की थी, जिसमें इस दुकानदार का नाम शाकिर बसीर मागरे बताया गया। चार्जशीट में कुल 19 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें से 4 मर चुके हैं। अमेरिकन एजेंसी एफबीआई ने भी इस हमले के सबूत जुटाने में मदद की थी। आरोपियों में 22 साल का शाकिर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लेथापुरी पुल के नजदीक फर्नीचर की दुकान चलाता था और आतंकी हमले का सबसे अहम स्थानीय लिंक शाकिर था। एनआईए ने शाकिर को गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद असर के भतीजे उस्मान हैदर को कश्मीर में अक्टूबर 2018 में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। इसके बाद मसूद अजहर के दूसरे भतीजे मोहम्मद उमर को सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। चार्जशीट के मुताबिक मोहम्मद उमर और उसके सहयोगियों ने एक कार धमाके की योजना बनाई थी, लेकिन कहा जा रहा था कि अंजाम इस हमले का हमें कहां देना है, इस पर चर्चा चल रही थी। उसी बीच शाकिर ने हाईवे पर से गुजरने वाले सीआरपीएफ के काफिलों को निशाना बनाने का सुझाव दिया। उसकी दुकान हाईवे के किनारे ही थी, इसीलिए वह सुरक्षा बलों की आवाजाही पर नजर रखता था। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली इस कार्रवाई के बाद कश्मीर में पाकिस्तान की दखल पूरी तरीके से रोक दी गई। अलगावाबाद पर काबू पाने के लिए आतंकी की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्ज को समाप्त करते हुए आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रोविजन समाप्त कर दिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया। द नगरी मीडिया उन शहीदों की शहादत को सलाम करता है। नमस्कार।